जैसा कि इसमें हमने देखा था कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप चार हैं, पश्चिम अरू प्रदेश, अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी बेसिन, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। आज हम पश्चिमी मरु प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि सभी को मालूम है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरु प्रदेश है उसकी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, है ना? तो आज हम मरु प्रदेश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मरु प्रदेश जो है उसे दो भागों में बांटा गया है, रेतीला शुष्क मैदान और राजस्थान बांगर और अर्धशुष्क मैदान। पर पहले हम पश्चिमी मरु प्रदेश की डिटेल विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम 300 किलोमीटर चौड़ा है और लगभग 175,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ क्वार्टनरी युग के बाद के भू आकार पाए जाते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप परिलक्षित होते हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत घनत्व वाला वनस्पति युक्त क्षेत्र है। भूमिगत जल भंडारों, कृषि फसलों, खनिज संपदाओं, पशु संपदा आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसमें आज मरुस्थलीय जल अपरदन, मृदा अपरदन, वायु अपरदन और निक्षेपण, खारेपन, जल निकास, वायु प्रदूषण एवं मानव का वातावरण के साथ अंतर संबंध आदि विशिष्टताएं दिखाई देती हैं। अब हम रेतीला शुष्क मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान के लगभग 61% भूभाग पर फैला हुआ है। यह मरु प्रदेश अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम से पश्चिम भूभाग पर फैला हुआ है। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार इस प्रदेश में इओसीन काल एवं प्लेस्टोसीन काल के प्रारंभ में एक विशाल समुद्र था जिसके अवशेष विभिन्न चट्टानी समूहों पर पाए जाते हैं। यह पश्चिमी बालू प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर फैला हुआ है और पश्चिम से पूर्व जैसा कि पहले बताया 300 किलोमीटर फैला हुआ है। मरु प्रदेश में राजस्थान के 12 जिले आते हैं जिसमें राजस्थान का 61% क्षेत्र और 40% जनसंख्या निवास करती है। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा इसे अन्य प्रदेशों से अलग करती है। यह राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाया जाता है। इसकी पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ सीमा जिसे कहते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। उत्तरी सीमा पंजाब प्रांत द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात व मध्य प्रदेश से मिलती है। वर्षा बहुत कम होने के कारण यहाँ शुष्क बालू के मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी भाग
रेतीला और बंजर है, जहाँ पर्यावरण की अनेक समस्याएं दृष्टिगोचर होती हैं। कहीं कहीं चट्टानी और छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि नागौर, बाड़मेर, जलौर, जैसलमेर, सिरोही, सीकर, कुचामन आदि की पहाड़ियाँ। प्रदेश में सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है और दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। प्रमुख नदी लूनी नदी है, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर कच्छ की खाड़ी में उत्तर पूर्व दिशा में बहकर मिलती है। यहाँ बालुका स्तूपों का विस्तार पाया जाता है और बालुका स्तूप जो है वो यहाँ पर तीन प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन रेखिक, बरखान, अनुप्रस्थ और ये प्रकार के जो बालुका स्तूप हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ये हो गया रेतीले मरु प्रदेश का। बहुत प्रकार के आप अपनी जो बुक्स हैं, राजस्थान की जितनी भी बुक्स हैं, उनमें सभी प्रकार के जो बालुका स्तूप हैं उनका विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इसी का जो दूसरा भाग है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, तो बालुका ये तो वो क्षेत्र था जहाँ बालुका स्तूप पाए जाते हैं, बीच बीच में पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। अब है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ की बालुका स्तूप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। यह प्रदेश महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर बालुका स्तूपों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। समस्त क्षेत्र पर परतदार चट्टाने हैं, जो कि टर्शरी और प्लिस्टोसिन काल की है। इसमें चूने की चट्टाने और शैल प्रमुख हैं। यहाँ चट्टानों में कई प्रकार की जुरासिन और मायोसिन काल के वनस्पति अवशेष और जीवावशेष पाए जाते हैं। जैसलमेर के दक्षिण में स्थित आकल वुड फॉसिल पार्क, नोट कर लीजिए, जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित आकल वुड फॉसिल पार्क इसका एक सर्वोत्तम और अनूठा उदाहरण है। इस प्रदेश को बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है। जैसलमेर के उत्तर तथा पोखरण के दक्षिण में बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी प्रदेश को रन कहा जाता है। इस प्रदेश में अवसादी शैल समूह, भूमिगत जल का अच्छा भंडार आदि पाया जाता है। लाठी सीरीज इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पर टर्शरी कालीन चट्टानों में तेल और गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। अब ये हो गया सेकंड, जो हमारा जो पहला था उसका दूसरा भाग, कि जहाँ पर कि बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। अब हम इस करेंगे, जैसा कि मैंने दिखाया था कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका दूसरा भाग है राजस्थान बांगर या अर्धशुष्क मैदान। राजस्थान बांगर या अर्धशुष्क प्रदेश मध्य में स्थित है। ये ऐसा क्षेत्र है जो जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं वो कॉन्ग्लोमरेट, ग्रीट, नीस, शिष्ट, ग्रेनाइट आदि की पाई जाती हैं। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी भाग में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यह मैदान 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा विभाजित होता है। यहाँ पर आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है। इसके उत्तर में घग्गर नदी इसकी सीमा बनाती है और लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। उत्तर पूर्व में शेखावाटी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व में लूनी क्षेत्र है,
जिसमें जोधपुर और बाड़मेर के अधिकांश भाग, इसके अलावा जालौर और सिरोही पाली जिले के पश्चिम भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इस संपूर्ण प्रदेश की जलवायु शुष्क अर्धशुष्क प्रकार की है, जिसमें बालुका स्तूपों की लंबाई लगभग 700 मीटर से 150 मीटर तक पाई जाती है। इसकी बालू काफी सघन और चूना मुक्त है, मतलब जिसमें चूना नहीं पाया जाता, और कण जो है बालू के वो मोटे मोटे हैं, और बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार आकृति के पाए जाते हैं। अब राजस्थान बांगड़ प्रदेश जो है, इसे हम पुनः चार भागों में विभाजित करते हैं, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान। पहला जो क्षेत्र है वो इसका हम गोंडवार प्रदेश या लूनी बेसिन, उसका हम कल अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं तक